Hello, my dear students, welcome to mathematics class. Dear students, we are doing unit 8, quadrilaterals of your NCRT book. And uh, now in this video, we will do question number 5 and 6. So let's start with question number 5. In question number 5, what they say is show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a scale. So, dear students, a quadrilateral is given to us and the things which are given to us are diagonals are equal and bisect each other we need to prove that this quadrilateral is a square so we will make the figure in the form of a square so here is the square in which the two diagonals ac is equal to bd this is given and bisect each other means ao is equal to oc and ob is equal to od this is also given and they bisect each other at 90 means all these four angles at the center are each 90 degree दिस इज गिवन टू अस वी हैव टू प्रूव ए बी सी डी इज अ स्केयर तो बेटा अगर आप अपना वो टेबल खोल के देखो इन विच आई हैव गिवन यू द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वार्रुलेटर तो स्केयर में हमारी क्या प्रॉपर्टीज थी दैट ऑल साइड्स आर इक्वल ऑल एंगल्स आर इक्वल इच इक्वल टू नाइंटी डिग्री एंड डायगनल बायसेक टीचर द रेट नाइंटी एंड दे आर इक्वल तो जो चीज़ें हमें गिवन है वो तो ओके है डायगनल वाली प्रॉपर्टी वाले पॉइंट हमें गिवन है हमें क्या गिवन नहीं है स्केयर के लिए हमें ऑल साइड्स इक्वल चाहिए होती हैं और ऑल एंगल्स इक्वल ईच इक्वल टू नाइनटी चाहिए होते हैं तो जो हमें गिवन है दैट इज ओके जो नहीं गिवन है वो हम प्रूव करेंगे सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट ऑल द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल नाओ बिकॉज इफ द डायग्नल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बायसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इट इज़ अ रॉम्बस तो बेटा ये हमेशा याद रखना है रॉम्बस का अगर आप उस टेबल में प्रॉपर्टीज देखो तो रॉम्बस की प्रॉपर्टी होती है डायग्नल बायसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री तो अगर डायग्नल बायसेक्ट कर रहे हैं नाइन्टी डिग्री पर तो ऑटोमेटिकली ये रॉम्बस हो जाएगा एंड इफ इट इज अ रॉम्बस दैट मीन्स ऑल ऑफ इट साइड आर इक्वल तो इस तरह से हमें स्क्वाड्रोलेट्रल की चारों साइड इक्वल मिल जाएंगे बाय दिस गिवन पार्ट नाउ नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ऑल दीज एंगल्स फोर एंगल्स आर इक्वल तो सभी इक्वल आपस में दिखाने तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको एडजेसेंट एंगल साथ साथ वाले साइड या एंगल इक्वल दिखाने हो तो एडजेसेंट ट्राइंगल्स का यूज़ करना है तो हम दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स ले रहे हैं एक ट्राइंगल ए बी डी ले ली हमने ये वाली ट्राइंगल इसे मैं ब्लैक से मार्क कर देती हूँ और दूसरी ट्राइंगल हम ए बी सी ले लेते हैं जिससे कि हम रेड से हाईलाइट कर देते हैं ये तो ये दो ट्राइंगल्स आपको दिख रही होंगी तो हम इसमें अगर देखें तो ए डी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी क्योंकि अभी हमने प्रूव किया ऑल साइड्स आर इक्वल सो वी विल प्रूव दैट प्रूव्ड अबव हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव उसके बाद हम लिख सकते हैं दैट बी डी डायग्नल ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एंड ए सी डायगनल ऑफ सेकेंड ट्राएंगल दे आर इक्वल गिवन सो बी डी इज इक्वल टू ए सी और इसका रीजन क्या है हमारे पास दिस इज गिवन, राइट देन ए बी इज द पार्ट ऑफ दिस ए बी डी ट्राएंगल एंड ए बी इज द सेम सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ ए बी सी ट्राएंगल दोनों का पार्ट है ए बी इज इक्वल टू ए बी तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉमन लिख देंगे ठीक है नाउ एज यू कैन सी हमने तीनों साइड्स का यूज़ किया है वी हैव यूज ऑल द थ्री साइड्स तो हम लिखेंगे दे फोर बाय विच रूल ंगल ए बी डी इज कॉन्ट्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी और अगर ये कॉन्ट्रेंट है तो इस ए बी डी ट्राइंगल का एंगल ए और ए बी सी ट्राइंगल का एंगल बी दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल दिस एम्प्लाइज एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी और रीजन क्या दे देंगे बाय सी पी सी टी वॉट इज द रीज़न बाय सी पी सी टी ये रीज़न हो गया राइट right? तो ये रीज़न है अब क्योंकि ये एंगल्स एडजेंट एंगल्स हैं अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ऑल साइड इक्वल हैं तो हम इसे पैरले ग्राम कंसिडर कर सकते हैं ये दोनों एंगल कैसे एंगल बन जाएंगे कोई इंटीरियर एंगल्स तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री को इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हैं क्योंकि हमने थ्योरम में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं दैट इफ़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट मस्ट बी अ पैरलेलोग्राम तो यहाँ से क्या आ जाएगा दैट ऑल साइड्स आर इक्वल तो ऑल एंगल्स आर इक्वल तो हमें दिखाना है ये दोनों एंगल इक्वल हैं यहाँ से तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू वन एटी डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू डिग्री दिस एम्प्लाइज Angle A is equal to B is equal to C is equal to D. All angles are equal and all sides are equal. Diagonals bisect each other at 90, they are equal. Hence it is a scare. Hence it is a scare. It con hence ABCD is a scare. So I hope it is clear to you. Now let's move on to question number six. Now, dear students, question number six. Diagonals AC of a parallelogram. Now, point to be noted: this is a parallelogram means opposite sides are equal and parallel, and opposite angles are also equal. Bisect angle A. This diagonal is bisecting angle bisect A. Means two equal parts mein divide kar hai. Show that it bisects angle C also. This is also two equal parts. First, and ABCD is a rhombus means all sides are equal. This is what we have to prove. सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज अ पैरलालोग्राम दैट मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल ए बी इज इक्वल टू सी डी बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है हमें साथ में हमें गिवन है दैट दीज टू एंगल्स ये जो डायगनल ए सी है ये इस एंगल ए को बायसेक्ट कर रहा है बायसेक्ट मीन्स होता है दो पार्ट्स में डिवाइड तो कर ही रहा है बट इक्वल पार्ट्स में सेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट्स मीन्स वी कैन से एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इन शॉर्ट मैंने नंबर दे दिया एंगल वन इज इक्वल टू टू हमें प्रूव करना है कि ये जो ए सी डाइगनल है ये सी एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो मींस हम इन दो पार्ट्स को नंबर दे देते हैं थ्री और फोर हमें प्रूव करना है कि थ्री और फोर एंगल भी इक्वल हैं तो ये प्रूव करने के लिए बिकॉज वी हैव इन द फर्स्ट पार्ट वी नीड टू प्रूव दैट थ्री एंगल थ्री इज इक्वल टू फोर तो हम देख रहे हैं थ्री जो एंगल है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए सी डी एंड फोर इज़ द पार्ट ऑफ एंगल ए ट्राएंगल ए बी सी अगर हम इन दोनों को कॉन्डेंट प्रूव कर देते हैं तो हमारे पास ईजिली आ जाएगा दैट थ्री इज इक्वल टू फोर बाय सी पी सी डी और बेटा इसे प्रूव करने के लिए बिल्कुल ईजी है लाइक इन दीज टू ट्राइंगल्स ए बी इज इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड इक्वल ए डी इज़ इक्वल टू बी सी अपोजिट साइड इक्वल ए सी ए सी कॉमन तो ट्रिपल एस रूल भी लग सकता है या फिर एंगल वन इज इक्वल टू फोर ऑल्टरनेट थ्री इज इक्वल टू टू ऑल्टरनेट ए सी ए सी कॉमन तो एस ए रूल मीन्स मैनी मैथड्स आर देयर टू प्रूव दैम इक्वल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मैथड हैं लाइक हम एक और मैथड है थ्री इज इक्वल टू टू ऑल्टरनेट वन इज इक्वल टू फोर ऑल्टरनेट और वन और टू इक्वल आपस में गिवन भी हैं तो थ्री हो गया टू के इक्वल टू हो गया वन के इक्वल वन हो गया फोर के तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल सो मीन्स वी हैव मैनी वेज बट वी विल फॉलो द फर्स्ट स्टेप एज इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी हम यही वाला यूज़ करने वाले हैं हम लिख लेते हैं ए बी इज़ इक्वल टू सी डी तो ए बी इज़ इक्वल टू सी डी लिख लें या हम एंगल्स का यूज़ कर लेते हैं जो कि हमें आगे भी ईजी बना देगा तो हम लिख लेते हैं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देन ए सी इज़ इक्ल टू ए सी कॉमन ये हम कॉमन ले लेते हैं ये कॉमन आ गया सिमिलरली एंगल थ्री इज इक्वल टू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हमने देखा कि हमने ए एस ए प्रॉपर्टी यूज़ किया देयर फोर बाय ए एस ए ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ड्रेंट टू ट्राएंगल ए पी सी ये आ गया सो दिस इम्प्लाइज एंगल थ्री इज इक्वल टू फोर बाय सी पी सी टी ठीक है बाय सी पी सी टी और थ्री थ्री का नाम क्या है डी सी एंगल एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी या बी एस सी बी सी ए तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ नाउ इन सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट में हमें ऑल साइड्स इक्वल दिखानी है अब बेटा अगर हम दिखा दें कि इस ट्राइंगल में ये वाली जो हमारी ट्राइंगल है अगर इस ट्राइंगल सिंगल ट्राएंगल में एंगल वन और थ्री को अगर हम इक्वल दिखा दें तो उससे क्या होगा ए के ट्राइंगल के अगर दो ये एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे और इसी तो सिमिलरली ये दोनों इक्वल हो सकती हैं और आपस में अपोजिट तो इक्वल है ही हैं तो क्या होगा ऑल साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो हमें प्रूव करना है वन इज़ इक्वल टू थ्री तो कैसे प्रूव कर दें अब देखो कैसे कर सकते हैं हम वन और थ्री को इक्वल तो ये प्रूव करने के लिए हम ले लेते हैं कि एंगल थ्री इज इक्वल टू फोर फोर ये हमारा फर्स्ट यहाँ पर हम प्रूव कर सक, कर चुके हैं यूजिंग वन फर्स्ट इक्वेशन एंड फोर इज इक्वल टू एंगल वन फोर इज इक्वल टू एंगल वन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऊपर भी हमने यूज़ किया है तो इन दोनों इक्वेशंस को टू और थ्री को यूज़ करके थ्री फोर के इक्वल और फोर वन के तो यहाँ से क्या आ जाएगा ऑन कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस दोनों फोर के इक्वल हैं तो ये दोनों अगर एक साइड इक्वल होती है तो बाकी दोनों साइड भी इक्वल हो जाती हैं देयर फोर फ्रॉम टू एंड थ्री एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल वन नाउ इन ट्राइंगल अब हम इसे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी ए डी सी ये हम इसे एनक्लोज कर लेते हैं बॉक्स में एंड लेट लेटे मार्केट एज फोर्थ इक्वेशन एज एंगल थ्री इज इक्वल टू वन थ्री वन के इक्वल है दिस एम्प्लाइज थ्री के अपोजिट वाली साइड ए डी थ्री के अपोजिट ए डी इज इक्वल टू वन के अपोजिट सी डी और रीज़न क्या देंगे साइड्स opposite to two equal angles are equal sides opposite to equal angles are equal similarly a b is equal to c d is equal to uh, a b is equal to b c is equal to c d is equal to d a this implies a b c d is a रामबस तो ए बी सी डी के आ जाएगा रॉमबस हैंड्स प्रूफ दैट्स ऑल फॉर नाउ थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स